సినిమా ఇండస్ట్రీపై కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ జయ బచ్చన్ చేసిన కామెంట్స్ ను తప్పుపట్టారు బీజేపీ ఎంపీ సినీ నటుడు రవికిషన్. డ్రగ్స్ కారణంగా సినీ పరిశ్రమకు చెడ్డ పేరు వస్తోందని తాను నిన్న సభలో ప్రస్తావించానన్నారు. కానీ జయ బచ్చన్ మాత్రం అవేవీ పట్టించుకోకుండా మాట్లాడుతున్నారన్నారు. చైనా పాకిస్తాన్ నుంచి సినీ ఇండస్ట్రీలోకి డ్రగ్స్ సప్లై అవుతున్నాయన్నారు. ఇదంతా కుట్రపూరితంగానే జరుగుతోందన్నారు. త్వరలోనే డ్రగ్స్ మరక తుడిచేస్తామన్నారు రవికిషన్. आदर सम्मान बहुत बड़ा है और जया जी हमारी सीनियर है. मुझे लगा था मेरे कल के व्यक्तित्व पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था हमको जया जी आज समर्थन देंगी, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं. मैं पहली बात तो क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड उसको प्लान्ड करके कोई खत्म करना चाह रहा है. जैसे एक बायो वेपन के द्वारा कोरोना भेजा गया, चाइना की बड़ी खेप आती है अनगिनत एक्सटेसी कोरोना एंड मेनी टैबलेट्स के नाम पर जो पाकिस्तान द्वारा नेपाल के रास्ते से आती है. इस खेप को हमारी इंडस्ट्री को भी, क्योंकि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के से रोल मॉडल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी इसको वो एक फैशन के रूप में, हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था, जया जी जब आई थी तो नहीं था. तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी नहीं. तो अगर हम ये आवाज उठा रहे हैं तो मैं चाहता था कि मेरे सीनियर्स, उनकी पार्टी अलग है, देखिए उनकी विचारधारा अलग है, हम मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी हमारी विचारधारा है गंदगी को देश से साफ करना. 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री साफ कर रहे हैं गंदगी, हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है, कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं. And we have to really take care. और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया गया.